नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल समेत मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी तो कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है तो अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले गांव के क्षेत्र में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले गांव के क्षेत्र में रहते हैं तो दोस्तों मौसम विभाग की मान तो आज और कल भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ मध्य प्रदेश में भारी बरसात का कहर जारी है कई जिलों में धीमी बारिश तो कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली राजधानी भोपाल में कोलार डैम में दो गेट खोल दिए गए हैं सतपुड़ा डैम को भी फिर से सात गेट खोलने पड़े और उज्जैन में दोस्तों

मौसम विभाग की मान तो नदी नाले उफान पर आ गए तो कई जगहों पर जमाझम जम बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है मौसम विभाग की मान तो मध्य प्रदेश में भारी बरसात का दौर लगातार जारी है मध्य प्रदेश में भोपाल से सुबह से तेज बरसात हो रही है कई जगहों पर जलमग्न हो गए वर विदिशा रायसेन उज्जैन राजगढ़ सीहोर सतना रतलाम समेत कई जगहों पर अन्य जगहों पर तेज बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है मौसम में ठंडक रहने के साथ आज जो है ना रायसेन सीहोर नर्मदापुरम शोपुरकला छिंदवाड़ा शिवनी बालाघाट पन्ना सागर पांडोना जिलों में गरज चमक के साथ अति भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट है भोपाल विदिशा राजगढ़ बैतूल हरदा रतलाम देवास गुना शिवपुरी ग्वालियर मुरैना सतना, शेडोल, में भारी बरसात को लेकर तो समेत कई जगहों पर दो सौ दिनों तक हल्की से मध्यम तो कई जगहों पर रहने को लेकर चेतावनी है और मौसम विभाग की मान तो जमाझम जम बरसात के साथ पूरे प्रदेश के मौसम में बदलाव और परिवर्तन देखा जा रहा है तो कल रात से कई जगहों पर हलचल भी अधिक से अधिक हुई इसके अलावा दोस्तों प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मिलीमीटर तक बरसात होगी नदी नालों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है खास करके बार बार घर से बाहर निकलने बारिश के दौरान पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि बरसात कई जगहों पर जानलेवा साबित हो चुके है पहले ही इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश मौसम विभाग की विदिशा राजगढ़ हरदा बुरानपुर खंडवा अलीराजपुर धार इंदौर उज्जैन साजापुर आगर निमच समेत कटनी जबलपुर समेत मौसम में बदलाव देखा जा रहा है उतार चढ़ाव जारी है और जमाझम बरसात के साथ मध्य प्रदेश का मौसम मिला जुला भी रिकॉर्ड किया जा रहा है इसी के साथ मध्य प्रदेश में दोस्तों यहां पर ऑरेंज अलर्ट भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया

नरसिंहपुर होशंगाबाद शिहर खंडवा बुरानपुर बैतूल इन सभी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा उतार चढ़ाव जारी और तेज बरसात के साथ बिजली चमकने वाले जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पर निम हो गया और इसी के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे मंदसौर राजगढ़ रतलाम उज्जैन जाबुआ अलीराजपुर धार बड़वानी खरगोन खंडवा इंदौर सीहोर भोपाल विदिशा रायसेन सागर गुना अशोकनगर निवाड़ी छतरपुर पन्ना दमोआ नरसिंहपुर कटनी उमरिया शहडोल सीधी सिंगरौली सतना सिंगरौली के साथ रीवा और बैतूल इन सभी जगहों पर बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के मौसम मिला जुला रहने के साथ हलचल भी अधिक से अधिक देखा जा रहा है आपके यहाँ पर अभी बरसात हो रही नहीं कमेंट करके जरूर बताना और देवास इंदौर और साथ में यहाँ पर राजगढ़ गुना अशोकनगर निवाड़ी छतरपुर पन्ना सतना रीवा सिंगरौली सीधी

आखिरी दिनों से दोस्तों यहां पर अगस्त की शुरुआत के साथ मौसम बदलेगा और बरसात की गतिविधियों के साथ मूसलाधार बरसात को लेकर अलर्ट है प्रदेश के कई जिलों में पानी पानी हो गया लगातार बारिश से अधिकतर जगहों में जल भराव की स्थिति है जहां पर प्रदेश के प्रमुख नदी नाले उफान पर है जनजीवन व्यस्त है खासकर निचले बस्तियों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन जिलों में भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चालीस जिलों में भारी बरसात की चेतावनी प्रदेश के इंदौर उज्जैन भोपाल जबलपुर संभाग में भारी बरसात के आसार इसी तरह प्रदेश के शेडोल रीवा सागर जिलों में अति भारी बरसात हो सकती है मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के चलते ग्वालियर चंबल में तेज बारिश देखने को जारी गया। निम्च में, आगर मालवा राजगढ़ साजापुर इंदौर बड़वानी खरगोन पांडुना छिंदवाड़ा शिवनी जबलपुर नरसिंहपुर रायसेन सागर शामिल है जबकि ग्वालियर भोपाल उज्जैन समेत बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी अधिकतर इलाकों परिवर्तन के साथ दोस्तों जुलाई को भी मौसम बदलेगा जमाझम बरसात की के साथ पानी पानी देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है मध्य प्रदेश मौसम विभाग की मान तो मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है एमपी के कुछ जिलों से साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी लो प्रेशर एरिया बनाया इससे मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात हो सकती है तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा और अलर्ट भी जारी किया गया है मध्य प्रदेश में चौबीस घंटों में दमोह रायसेन नरसिंहपुर बिंड अशोकनगर सागर कला मुरैना खंडवा खरगोन बुरानपुर पांडुना में दक्षिणी छिंदवाड़ा दक्षिणी शिवनी और निम्चमनसौर गुना निवाड़ी में बिजली चमकने के साथ भारी बरसात की आशंका है छतरपुर छिंदवाड़ा शिवनी टीकमगढ़ अनुपुर अमरकंटक डिंडोरी मंडला बालाघाट शिवपुरी दतिया मेहर रतलाम नर्मदापुरम पंचमढ़ी हरदा देवास में बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बरसात समान है साजापुर राजगढ़ धार इंदौर सिंगरौली सतना रीवा मऊगंज भोपाल जबलपुर शेडोल उमरिया कटनी पन्ना अलीराजपुर बड़वानी जाबों में बारिश होने को लेकर अलर्ट और उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है आपके यहाँ पर दोस्तों अभी बरसात हो रही नहीं आप किस जिले गांव इस क्षेत्र में रहते पूरे मध्य प्रदेश के हमें कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर बताया जा रहा दोस्तों पूरे के पूरे केम्स के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है उतार चढ़ाव जारी है तेज आव के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा

में पूरे सात दिन हल्की बूंदा-बूंदी रहेगी नरसिंहपुर में आज बरसात और बिजली चमक सकती बालाघाट में तीन दिन बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है मंडला में आज बरसात और बिजली चमक सकती है छिंदवाड़ में आज बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट बैतूल में आज बरसात और बिजली चमकेगीव जारी अनूपर में तीन दिन बादल बुधवार से बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है आगर में आज बरसात और बिजली चमकेगी और बिजली चमके की बरसात की गति चेतावनी जारी की गई है इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरी जनता मौसम विभाग की मान डिंडोरी में बूंदाबूंदी जारी रहेगी बादल छह चढ़ाव जारी है पूरे होशंगाबाद में आज बरसात

बादल उतार चढ़ाव जारी रहेगा मौसम विभाग की मान तो यहां पर पूरे के पूरे श्योर में आज बरसात और बिजली चमक सकती है रीवा में बादलों के साथ परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहेगा